तो आज हम आपके साथ बात करने वाले हैं एक्सेल का पहला टॉपिक, वो है सिलेक्शन मेथड, राइट सर? ओके सर। अब सिलेक्शन मेथड ही हम सबसे पहला टॉपिक क्यों चुनते हैं? सिलेक्शन मेथड ही हम पहला टॉपिक क्यों चुनते हैं? देखिए, एक्सेल के अंदर में कुछ भी अगर आप करते हैं, कुछ भी, तो आपको क्या है, सिलेक्शन की जरूरत पड़ती है। बिना सिलेक्शन की आप कुछ भी नहीं कर सकते। बगैर सिलेक्शन आप जो है इसके अंदर कुछ भी नहीं कर पाएंगे, राइट? आपको फिल्टर लगाना है, आपको पिवट लगाना है, आपको शॉर्टिंग करनी है, आपको चार्ट्स लगाने हैं, कॉपी करने हैं, हर चीजों के लिए सिलेक्शन रिक्वायर्ड है। तो सिलेक्शन के कुछ ट्रिक्स हैं जो मैंने अपने वर्किंग लाइफ में सीखा है, वो ट्रिक्स हम आपको बताने वाले हैं। जैसे आपके पास डेटा है तो माउस से सिलेक्शन करने लिए क्या करते हैं, स्टार्टिंग में क्लिक करते हैं, क्लिक को होल्ड रखते हुए नीचे की तरफ आते हैं, राइट? हाँ तो आप एक काम और कर सकते हैं, शिफ्ट की को प्रेस करें और सबसे लास्ट में क्लिक करें। तो सबसे पहले आप क्लिक करें, शिफ्ट की को होल्ड रखें और सबसे लास्ट में क्लिक करें, अच्छा हो गए? तो सबसे स्टार्टिंग में आपने क्लिक किया और सबसे लास्ट। अच्छा, इस सैमसंग एस एस एम से किसे ज्वाइन किया है? सैमसंग एस पता नहीं सर, मैंने तो सिक्स अनम्यूट, हाँ सेलफोन। अनम्यूट करेंगे प्लीज। बट हेलो, हेलो, हाँ, ये अच्छा, आप ही क्या है सर? वो मैंने डिसकनेक्ट कर दिया, उसमें ना वॉइस नहीं आ रहा, तो अब इसमें वॉइस आ रहा है। ठीक है सर, चलिए। तो मैंने बताया सिलेक्शन करने के लिए आप पहले स्टार्टिंग में क्लिक करें, शिफ्ट को होल्ड रखें और सबसे लास्ट में क्लिक करें, तो आपका डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। या लास्ट में क्लिक करें और शिफ्ट को होल्ड करें और स्टार्टिंग में क्लिक करें। होता है क्या है कि जैसे कर्सर यहाँ M1 पे है और जब नीचे क्लिक करेंगे तो कर्सर M1 से शिफ्ट हो जाता है M7 पे, जहां क्लिक करते वहां पे शिफ्ट होता है। लेकिन अगर आपने शिफ्ट के साथ क्लिक किया तो शिफ्ट नहीं होगा, क्या होगा? सिलेक्ट। तो आप एक माउस से एक करके सिलेक्ट करेंगे, उससे अच्छा है कि आप स्टार्टिंग में क्लिक करें, शिफ्ट को होल्ड करें और सबसे लास्ट में क्लिक करें। ओके ये तो माउस की हो गई। अब कीबोर्ड की बात करते हैं। अब जैसे मुझे कीबोर्ड सिलेक्ट करना है, कर्सर मूव करने के लिए हम एरो की का इस्तेमाल करते हैं, अप एरो की, डाउन एरो की, लेफ्ट एरो की, राइट एरो की, तो सिलेक्शन होता है। इसी में मैं अगर शिफ्ट के साथ सिलेक्शन किया, शिफ्ट के साथ एरो की यूज करूंगा तो सिलेक्ट होता है ना। हालांकि कर्सर मूव करने का एक और तरीका है, आप एंटर की प्रेस करेंगे तो डाउन होता है, शिफ्ट एंटर प्रेस करेंगे तो अप होता है, क्योंकि तो शिफ्ट हमेशा अपोजिट काम करता है। तो नॉर्मल एंटर से डाउन होता है, शिफ्ट एंटर से अप होता है। अब टैब से आगे जाते हैं और शिफ्ट टैब से पीछे आते हैं, टैब से आगे गए, शिफ्ट टैब से पीछे, टैब से आगे गए, शिफ्ट टैब से पीछे। लेकिन यहां पे जब शिफ्ट के साथ एरो भी यूज करते हैं तो सिलेक्शन होता है इस तरह से। लेकिन डायनेमिक सिलेक्शन की बात करें तो मुझे अगर कंट्रोल ए करते हैं ना हम लोग, तो डेटा ऑल सिलेक्ट होता है। तो सब लोग समझते हैं कि कंट्रोल ए का मतलब होता है सिलेक्ट ऑल, सिलेक्ट ऑल, लेकिन ऐसा नहीं है। कंट्रोल ए जो है आपका फाइंड एंड सिलेक्ट के अंदर गो टू ए स्पेशल, और जिस गो टू ए स्पेशल के अंदर में ये आपको दिख रहा होगा करेंट रीजन, करेंट रीजन इसको फॉलो करता है। तो मैं जब मैं करेंट रीजन पे क्लिक करके ओके करूंगा तो पूरा डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, मैं एक बार कंट्रोल ए करूंगा तो डेटा सिलेक्ट होगा, दो बार कर दीजिएगा तो पूरा का पूरा सीट सिलेक्ट हो जाएगा। एक बार कंट्रोल ए करने से आपका डेटा सिलेक्ट होता है, दो बार कंट्रोल प्लस ए करेंगे तो पूरी की पूरी सीट को सिलेक्ट कर देगा। ऐसे पूरी सीट अगर माउस से सिलेक्ट करना चाहते हैं तो ये जो वन और ए के बीच में जो ट्रायंगल है इस पे क्लिक करेंगे तो पूरा सीट सिलेक्ट हो जाएगा।
हम वापस आते कंट्रोल ए पे। आपने बोला, मैंने बताया कि कंट्रोल ए से डेटा, पूरी डेटा सिलेक्ट हो जाती है, लेकिन अगर डेटा के अंदर किसी तरह का प्रॉब्लम हुआ, जैसे कि डेटा में आपका ब्लैंक रो है, डेटा में आपका ब्लैंक रो है, ब्लैंक रो को जैसे आप कंट्रोल ए करेंगे तो आप देखिए कि आपका डेटा जो ब्लैंक था उससे ऊपर ही सिलेक्ट हुआ, उससे नीचे नहीं हुआ। हाँ, पूरी तरह से ब्लैंक होना चाहिए, बीच में जैसे किसी एक सेल में टाइप कर दिया और कंटिन्यूस फॉलो हो गया, तब आप कंट्रोल ए करेंगे तो पूरा डेटा सिलेक्ट होगा। अगर रो पे है तो सेम कॉलम पे भी लागू है, कि अगर मैंने कंट्रोल प्लस कर दिया, एक मैंने यहां से एक ए ले लिया, मतलब कि एक ब्लैंक कॉलम ऐड कर दी, कंट्रोल ए करने पे उस कॉलम से पहले ही डेटा सिलेक्ट होगा, बाद वाला डेटा सिलेक्ट नहीं होगा। लेकिन पूरी तरह से कंट्रोल ए आपका है तो अगर पूरा हम कंट्रोल ए करते हैं, पूरा सिलेक्ट हो गया। तो कंट्रोल ए समझ में आ गया आप लोगों को सर? हाँ सर, यस सर, आपको समझ आया सर? चलिए सर, मैं आपका नाम भूल गया था, नाम बताएंगे? हेलो, अब यहां पे ये हो गई। अब बात करते हैं कर्सर मूव करने की। जैसे कर्सर को मुझे यहां लेके आना है तो जनरली आप एरो की एक एक करके प्रेस करेंगे तो टाइम लगेगा, यहां आप कंट्रोल के साथ डाउन एरो यूज करेंगे तो सबसे लास्ट में आ जाएगा। लेफ्ट, अप, राइट, इस तरह से मूव करते हैं तो कर्सर आपका जंप करता है सबसे लास्ट में। तो इसका इसका सिस्टम समझिए क्या होता है, कंटिन्यूस को फॉलो करता है। जैसे मैंने यहाँ पे वन लिख दिया और ऊपर से मैं अगर कंट्रोल के साथ डाउन एरो यूज करूं तो आपका कर्सर यहाँ आके रुकता है। क्यों? क्योंकि ये ब्लैंक्स है और ब्लैंक की कंटिन्यूसी को यहाँ पे ब्रेक हो रही है, इसलिए कर्सर यहाँ रुक जाएगा। इसका मतलब है कि डेटा में अगर कहीं ब्लैंक हुआ तो आपका डेटा वहीं पे आके कर्सर वहीं पे रुक जाएगा जब आप कंट्रोल और डाउन एरो का यूज करेंगे। एक साथ कंट्रोल डाउन करेंगे तो आपका कर्सर रुक जाएगा अगर ब्लैंक हुआ तो। लेकिन मेरे पास क्या है कि बहुत सारा डेटा है और मुझे लास्ट में पहुंचना है और मेरे कॉलम्स में बहुत सारे जगहों पे ब्लैंक रो है, तो कम से कम समय में कैसे मैं लास्ट में पहुंचूं, इसका जो है दो तीन उपाय है। सबसे पहला ये है कि आप यहां ऊपर में जो नेम बॉक्स आपको दिख रहा है यहां पे एक कोई बड़ा सा फिगर डाल दीजिए, जैसे A65000 डाल के जैसे एंटर प्रेस करेंगे आपकी कर्सर A65000 पे पहुंच जाएगा। अब यहां से मैं कंट्रोल के साथ अप एरो यूज करूंगा तो देखिए सबसे ऊपर मैं पहुंच गया। ठीक है सर? हाँ सर, पहुंच गया ना। या दूसरा है एंड, आपके कीबोर्ड में दो होंगे, एक आपका होम है दूसरा एंड है। आप अगर देखें इंसर्ट डिलीट के पास में दिखेगा आपको होम एंड एंड। अब मैं नॉर्मल एंड प्रेस करता हूं तो नीचे देखिए एंड मोड लिखा हुआ आ गया। अब मैं यहां एंटर प्रेस करूंगा तो इस कॉलम के सबसे, इस रो के सबसे लास्ट वाले सेल पे पहुंच जाएगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि लास्ट तो हमारा के है, एन तक क्यों गया? इसको बोलते हैं लास्ट यूज्ड सेल। हमने भी इसका इस्तेमाल किया था ना यहाँ पे वन टाइप करके। हाँ, ये एंड करने से क्या होता है कि ये आपके सबसे, आपने डेटा अगर नहीं भी है फिर भी आपने उसको इसको यूज किया है तो वहां तक उसको भी कंसीडर कर लेता है। और मैं कंट्रोल के साथ एंड प्रेस करूंगा तो सबसे लास्ट वाले यूज सेल पे आएगा। और सेम कंट्रोल होम प्रेस करता हूं तो ऊपर में। अब मुझे सिलेक्शन चाहिए, कंट्रोल के साथ शिफ्ट दबा दूंगा और एंड प्रेस करूंगा तो हमारा एरिया सिलेक्ट हो जाएगा।
कंट्रोल शिफ्ट होम प्रेस कर दूंगा तो जहां पे कर्सर होगा वहां से ऊपर की सारी डेटा सिलेक्ट हो जाए। तो एंड मेथड समझ में आ गया आप लोगों को आनंद जी? यस सर। आपको सर समझ में आया? हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रहा मेरा सर, थोड़ी सी स्लो आ रही है आपकी आवाज। हेलो, चलिए अब बात करते हैं मल्टी सेल सिलेक्शन की, कि मल्टीपल सेल्स को कैसे सिलेक्ट किया जाए। तो मल्टी सेल सिलेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पे कर्सर रखिए, कंट्रोल को होल्ड रखिए और जहां भी क्लिक करेंगे वो एरिया सिलेक्ट हो जाएगा। अब इसके ऊपर आप जो करना चाहे कर सकते हैं, ठीक है, फॉर्मेटिंग वगैरह कर सकते हैं, बट इसको आप कॉपी नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? कॉपी नहीं कर सकते। देखिए कॉपी करने का एक सिस्टम होता है जिसको फॉलो करना पड़ेगा आपको। तो जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल के साथ मैंने सिलेक्ट किया, एक ही करो में एक एक को सेल सिलेक्ट किया, मैं इसको कॉपी कर सकता हूं। अब जैसे मैंने यहां पे ए से मैंने कि तीन लिया, फिर कंट्रोल प्रेस किया, डी में तीन लिया, मैं इसको कॉपी कर सकता, मतलब जितना आपको सेम रो एंड सेम काउंट ऑफ सेल्स को सिलेक्ट करते हैं तो आप उसको कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैंने तीन किया तो मैं एक काम करता हूं, जे कॉलम में तीन और सिलेक्ट कर लेता हूं लेकिन नीचे करता हूं, अब इसको कॉपी नहीं कर सकते आप। तो अगर सिलेक्शन करनी है तो जे कॉलम में ही सिलेक्शन आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अब इस पे दूसरा ऑप्शन आते हैं कि कंट्रोल से आप सिलेक्ट करके जब इसको कॉपी करके कहीं और पेस्ट करेंगे तो देखिए अब कॉपी तो आपका हुआ अलग अलग लेकिन पेस्ट इकट्ठा होगा। कॉपी अलग अलग है लेकिन पेस्ट आपका इकट्ठा होगा, ठीक है सर। सुजीत जी बोलिए बोलिए। जैसे अभी ऐसे हॉरिजॉन्टल में आया और ये जो डेटा है मुझे वर्टिकल में लाना हो तो कैसे करते हैं इसको? जी वर्टिकल में लाना है, देखिए जैसा सिलेक्शन होगा ना वैसा आएगा आपका। अब यहाँ पे देखिए वर्टिकल में आपको लाना है तो आपको पेस्ट स्पेशल में ट्रांसपोज यूज करना पड़ेगा, ओके ठीक है, ठीक है। ये चीज हम आगे की क्लासेस में समझाएंगे आपको। अच्छा ठीक है, आगे बढ़े। हाँ जी, चलिए अब सिलेक्शन, मल्टीपल सिलेक्शन तो हमने एक डेटा के अंदर कर लिया और मैं कंट्रोल एन करके कई सारे शीट्स को लेता हूं। यहाँ पे देखिए कई सारे शीट्स ले लिए, अब मैं यहां कंट्रोल प्रेस करके कई सारे शीट्स को सिलेक्ट कर सकता हूं। देखिए फायदा क्या है, मान लीजिए मुझे यहां हर एक शीट पे डेट टाइप करना है, मुझे हर एक शीट पे क्या करना है, डेट टाइप करना है, तो कैसे करेंगे डेट? तो आपको जनरली आप क्या करेंगे कि आप जो है एक को करेंगे और फिर एक एक करके कॉपी पेस्ट करेंगे। अब एक एक के कॉपी पेस्ट करने से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है,
तो यहाँ एक आप क्या करें, पहले सीट पे क्लिक करें रखें और शिफ्ट के साथ सबसे लास्ट वाले सीट पे क्लिक करें। अब मैं यहाँ पे डेट डाल रहा हूँ। अब देखिए मैंने जो किया, अब सारा सीट एक्टिवेटेड है। अब मैं कहीं भी क्लिक करूंगा तो आप देखिए हर सीट पे टाइप है। मतलब कि अगर आप पहले सीट पे क्लिक करके शिफ्ट के साथ सबसे लास्ट वाले सीट पे क्लिक करते हैं तो ये आपका ग्रुप में सिलेक्ट हो जाता है। ठीक है, अब ग्रुप में सिलेक्ट होने से होने के बाद क्या है कि आप जो है इसको कुछ भी करेंगे हर एक सीट पे। वैसे मैंने इसको सिलेक्ट करके अगर कलर कर दिया तो हर सीट के डेट को देखेंगे सेम लोकेशन पे आपका देखिए कलर हो गया। लेकिन मुझे यहां किसी एक कुछ कुछ पर्टिकुलर सीट पे करना है तो मैं अपना कंट्रोल बटन प्रेस करूंगा, जिस जिस सीट पे मुझे करना है उस सीट को सिलेक्ट करूंगा और यहां पे मैं कुछ भी लिखता हूं। इसे मैं लिख दिया टाइम और यहां पे टाइम डाल दिया तो आप देखिए उसी पर्टिकुलर शीट को सिलेक्ट हुआ है। समझ गए? क्लियर हाँ बिल्कुल है सर? यस सर। डाउट इसमें? नो सर। तो ये थी हमारी सिलेक्शन मेथड। आज थोड़ी छोटी टॉपिक पढ़ाया मैंने क्योंकि आप लोगों ने वीडियो कंप्लीट नहीं किया है, इसलिए एक बार वीडियो